लबनान में सिर्फ बस्तियां तबाह नहीं हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह नहीं हो रही हैं, बल्कि समंदर के साइड में यानी सी साइड में जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बमबारी की जद में आए हैं, उन पे भी बमबारी की गई है और यहाँ पे भी सब कुछ तहस नहस हो गया है। समंदर के साइड से आपको मैं दिखाऊंगा रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची है और आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही हुई यहाँ पे। यहाँ पे रॉकेट्स गिराए गए हैं, मिसाइल्स गिराए गए हैं और ये है वो तबाही। ये देख सकते हैं आप कहाँ पे बम गिरे हैं, कहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, ये है वो स्पॉट जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है और एयर स्ट्राइक की वजह से ये सारा इलाका तहस नहस हो गया है, तबाह हो गया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, ये समंदर के साइड पे है लेबनान में, यहाँ से साउथ लेबनान की तरफ जाते हैं और ये इलाका आप देख सकते हैं हाईवे के साथ में है और यहाँ पर हर तरफ से हुई है तबाही। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हुआ है और यहाँ पर भी इस इलाके में कोई भी इर्द गिर्द आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे रहती थी चहल पहल, हज़ारों की तादाद में लोग रहते थे यहाँ पे, यहाँ पे आते थे टूरिस्ट और यहाँ पे एंजॉय करते थे, मज़े लेते थे इस समंदर की व्यू का। समंदर की लहरें इस वक्त उफान पर हैं, समंदर की लहरें इस वक्त देख सकते हैं आप उफान पर है, लेकिन यहाँ पे वीरानी इर्द गिर्द है और समंदर की लहरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे हर तरफ से अगर कुछ दिख रहा है तो वो दिख रही है वीरानी। एक बहुत बड़ा इलाका है ये जहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे सी साइड, यहाँ पे लोग आते थे यहाँ पे खाने पीने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, मौज मस्ती के लिए, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये अब वीरान हो रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द आप देख सकें कि कितने बड़े इलाके की तबाही हुई है। यहाँ पे इर्द गिर्द कोई नहीं है और इस इलाके में अगर कुछ है अब ये वीरान सड़कें, वीरानी हर तरफ से हुई है, तबाही हर तरफ से हुई है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक बहुत भीड़ रहती थी लोगों की, लेकिन इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया है। बमबारी लगातार हो रही है, पिछले 60-70 घंटे में करीब 600 के करीब एयर स्ट्राइक्स हुई, धमाके हुए और शोले भड़क रहे हैं जगह जगह पे पूरे साउथ लेबनान में। और वीरानी के ये मंज़र न सिर्फ किसी बस्ती के हैं बल्कि समंदर के साइड से जो ये रेस्टोरेंट्स कायम किए जाते हैं और यहाँ पे लोग आते थे खाने पीने के लिए। और ये है वो असल स्पॉट जहाँ पे गिरा है आसमान से बम, जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए दागा गया है बम। और ये बमबारी में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ज़मीन नीचे चली गई है, धस गया है सब कुछ और इसकी जद में आया है यहाँ पे, सब कुछ तबाह हो गया है। ये देखिए आप, ये न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड ज़ीरो पे, दिखा रहे हैं हम आपको हर वो तस्वीर जो इस बमबारी की वजह से यहाँ पे पैदा हुई है, हर वो तबाही जो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स में हुई है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पे अटैक किए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर उस जगह को तबाह करेंगे, हर उस जगह पे स्ट्राइक करेंगे जहाँ पे हिजबुल्लाह का कोई ठिकाना रहा हो, हिजबुल्लाह के लोग रहे हों, हिजबुल्लाह का सामान रहा हो या हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग रहे हों। तो अब यहाँ पर जिस तरीके की ये तबाही हुई है इसको लफ्ज़ों में बयां करना नामुमकिन है। ये देख सकते हैं आप, कल तक ये सोलर पावर जनरेट करता था लेकिन आज हर तरफ से इसमें छेद हुए हैं धमाकों से। और ये समंदर की लहरें इस वक्त मुशाहिदा कर रही हैं इस तबाही का। और इसी समंदर में मैं आपको बता दूं, ये जो समंदर हैं दूर यहाँ से इसराइल के शिप हैं जो यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दूर इस समंदर में इसराइल के शिप हैं जो लगातार वहाँ से शिप के ज़रिए भी रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं लेबनान की अलग अलग जगहों पे। तो हर तरफ से अगर कुछ इसमें दिख रहा है यहाँ पे वो दिख रही है तबाही। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये वो इलाका है जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ये समंदर के साइड का एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समंदर के साइड का एरिया है और यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हुआ है, सब कुछ बर्बाद हुआ है। और यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे
जहाँ पे पर्यटक आते थे, लोग आते थे और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे एंजॉय करते थे, बैठते थे, डांस करते थे। लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हुआ है, सब कुछ तबाह हुआ है। न सिर्फ 10 मीटर 50 मीटर बल्कि 1 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखा सकता हूँ कि 1 किलोमीटर के एरिया की यही तबाही हमें देखने को मिल रही है। सी साइड से ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही है इसराइली धमाकों में। इसराइल की तरफ से जो बमबारी की गई है, ये सी साइड जो समंदर का साइड है उसमें ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही है।